गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। हर एक बिजनेसमैन जो है वो अपना जो बिजनेस कर रहा है उसका ट्रू प्रॉफिट और लॉस जानना चाहता है और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है एट द एंड ऑफ द ईयर्स। बट एरर्स जो हैं कई बार इंटेंशनली और कई बार अनइंटेंशनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकर हो जाते हैं। जैसे सपोज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हो, पोस्टिंग में गलती हो गई, या आप जर्नल एंट्री को लिखना ही भूल गए, ओमिशन आपने कर दिया। तो ऐसे कई तरीके के एरर्स हैं जो आपके अकर हो सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन एरर्स को जब तक आप करेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको आपका ट्रू प्रॉफिट और लॉस और करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलेगी। अकाउंट्स को हम ऑथेंटिक प्रूफ मानते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन बहुत सारी बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्यूरेसी के साथ हम प्रिपेयर नहीं कर पाते। उसका रीज़न यही है कि कुछ ना कुछ एरर्स जो हैं वो अकर हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग हो सकते हैं, लेजर पोस्टिंग हो सकते हैं, या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो सकते हैं। तो उन सब एरर्स को फाइंड आउट करना और रेक्टिफाई करना जो है वो ज़रूरी है ताकि आप ट्रू प्रॉफिट और लॉस जान सको। अब ये नेसेसरी है अकाउंटेंट के लिए वो लोकेट करे इन एरर्स को और रेक्टिफाई करे बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो वही इस चैप्टर में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके एरर्स हो सकते हैं और किस तरीके से उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स, किस किस तरीके के एरर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब है कि आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, कम्प्लीटली आप भूल गए। आपने ना उसे जर्नल में रिकॉर्ड किया और ना ही आपने उसे सबस्ट्री बुक्स में रिकॉर्ड किया, तो उसे हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। इस एरर है उसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते ट्रायल बैलेंस बनाते हुए, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस के मैचिंग पर जाएगा ही नहीं, क्योंकि जब वो जो एरर है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस के ऊपर उसका कोई इफेक्ट गया ही नहीं, तो आप ट्रायल बैलेंस से पता नहीं लगा सकते कि कौन सा एरर हुआ है। फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स आपने की विनोद से 25,000 रुपीज़ की और आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो इसे हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। दो तरीके हैं इस तरीके के जो आपके एरर्स होते हैं उनको रेक्टिफाई करने के। पहला कि आप बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स एंट्री कंसर्न बुक में कर दीजिए, दूसरा आप आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट आप जो है इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एरर्स ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन तब होता है जब जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड की है वो गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी है, तो उस टाइप ऑफ एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। ये एरर ज़्यादा होते हैं इन नंबर्स एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ एरर। इन एरर्स का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज की आपने दीपक से 32,000 रुपीज़ की और उसे एंटर कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में 23,000 रुपीज़ पर, तो इसे हम कहेंगे एरर ऑफ कमीशन। यहाँ पे आपने दीपक की जो अकाउंट था उसे लेस क्रेडिट किया और परचेज का अकाउंट भी लेस डेबिट किया, कितने अमाउंट से, 9,000 रुपीज़ से लेजर में, तो इस एरर का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों ही जगह पर सेम अमाउंट की मिस्टेक हो रही है। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जहां जो इफेक्ट है उनका जाता है ऑन मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। एग्जांपल्स, जैसे रॉन्ग पोस्टिंग आपने कर दी, पोस्टिंग गलत अमाउंट से कर दी, पोस्टिंग गलत साइट पे कर दी, डबल पोस्टिंग कर दी, या ओमिट कर दिया आपने पोस्टिंग करना।
देन एरर टोटलिंग में हो सकता है सबस्ट्री बुक्स की, एरर बैलेंसिंग करते हुए हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड करते हुए हो सकता है अकाउंट्स का बैलेंसेस। देन नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। जब आप कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट कर रहे हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए, तो उसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका कोई इफेक्ट नहीं जाता है ऑन मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस पर। एग्जांपल्स क्या हैं इस टाइप ऑफ एरर के? आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड कर लिया एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बुक्स में, जैसे रिपेयर एक्सपेंसेस जो किए आपने ओल्ड कंप्यूटर में, उन्हें आपने डेबिट कर दिया कंप्यूटर अकाउंट को। सैलरी आपने पे की सर्वेंट को, लेकिन उसे डेबिट कर दिया उसके पर्सनल अकाउंट में इंस्टेड ऑफ सैलरी अकाउंट। एडजस्टमेंट्स आपने एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स कंसीडर नहीं की, जैसे कि रिकॉर्ड नहीं किया आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा। देन आता है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं? वो एरर्स जब जो आपने किए हैं, यहाँ पे जो एरर्स हैं उनका नंबर एक से ज़्यादा है, जब आपने वो एरर्स किए हैं वो आपस में एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो उन्हें हम कंपनसेटिंग एरर्स कहते हैं। ये जो एरर्स हैं वो ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होते, इनका इफेक्ट नहीं जाता है ऑन मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। सपोज दिनेश का अकाउंट है, आपने दिनेश का अकाउंट क्रेडिट किया 11,800 से, जबकि उसका क्रेडिट करना था आपने 18,100 से, और रमेश का जो अकाउंट है आपने क्रेडिट कर दिया 18,100 से, जबकि उसका अकाउंट जो था वो आपने क्रेडिट करना था 11,800 से। तो ये एक एग्जांपल है कंपनसेटिंग एरर का, कि वो क्या है कि जो एरर आपने दिनेश के अकाउंट में किया उस एरर को नलीफाई कर दिया रमेश के अकाउंट में जो आपने एरर किया उसने। तो अब जो एरर आपने दोनों अकाउंट्स में किया, दिनेश और रमेश के अकाउंट में किया, उसका इफेक्ट ऑन मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जब आपने एरर्स पता कर लिए तो उसके बाद उसे रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रेक्टिफिकेशन होती है आप उसे रब कर नहीं कर सकते, आप उसे ओवरराइट कर नहीं कर सकते, या उसमें कटिंग करके नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एज अ प्रूफ एक्सेप्ट होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, और अगर आप उसमें इरेजिंग, ओवरराइटिंग या कटिंग कर दोगे तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। इसीलिए जो भी एरर्स आप करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उन्हें करेक्ट करने के लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो जो एरर्स हैं उन्हें बाय एंट्री इन द जर्नल और लेजर जो है उनका इफेक्ट कैंसिल किया जा सकता है। तो जो एंट्रीज आप पास करेंगे फॉर करेक्टिंग दी एरर्स, उन्हें हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज कहेंगे। फ्रॉम दी रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो एरर्स हैं हम उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, टू साइडेड एरर्स एंड वन साइडेड एरर। पहले हम बात करते हैं टू साइडेड एरर्स की। वो एरर्स जिनका जो इफेक्ट है दो अकाउंट्स पे जाता है साइमल्टेनियसली, तो उन्हें हम कहते हैं टू साइडेड एरर्स। इस कैटेगरी के जो एरर्स हैं उसमें आप एक अकाउंट आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया, दूसरा अकाउंट आपने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, तो जो एरर्स हैं उनका इफेक्ट नहीं जाएगा ऑन मैचिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। देन इफेक्ट क्या होगा इस टाइप के एरर्स का? एक्सेस डेबिट हो सकता है जो अकाउंट है, देन लेस डेबिट हो सकता है अकाउंट, एक्सेस क्रेडिट साइड हो सकती है अकाउंट की, लेस क्रेडिट साइड हो सकती है अकाउंट की। तो नेक्स्ट जो है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में
इन एरर्स को जब आप रेक्टिफाई करोगे तो जर्नल एंट्री करोगे तो एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो क्या प्रोसीजर आप फॉलो करते हो जर्नल एंट्री करते हुए जब आप रेक्टिफाई करते हो टू साइडेड एरर्स को? अब इसमें क्या है, अगर आपने किसी अकाउंट में एक्सेस डेबिट कर दिया है तो उस अकाउंट का इफेक्ट जो है उसे नलीफाई करने के लिए आपको जितना एक्सेस डेबिट किया है आपने उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपने लेस डेबिट कर दिया है तो जितने से लेस डेबिट कर दिया किया है उतने डेबिट आप कर दीजिए रेक्टिफाइंग एंट्री में। किसी अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट आपने कर दिया है तो उसको नलीफाई करने के लिए आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। किसी अकाउंट में लेस क्रेडिट किया है आपने तो उसे ठीक करने के लिए आपको जितना लेस क्रेडिट है उतने से आप उसे क्रेडिट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन अकाउंट हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड इंस्टेड ऑफ अनदर अकाउंट, आपने गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया किसी दूसरे अकाउंट के कंपैरिजन में। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अ कंप्यूटर परचेज फॉर 27,500 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, आपने एक कंप्यूटर परचेज किया 27,500 का और उसे डेबिट कर दिया आपने परचेज अकाउंट में। कंप्यूटर परचेज किया तो वो क्या है, आपका एसेट है। डेबिट तो क्या होना था, आपका कंप्यूटर अकाउंट होना था, लेकिन आपने किसे कर दिया, परचेज अकाउंट में कर दिया। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कर दी। जब भी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं तो हम तीन पार्ट्स में लेके चलते हैं कि आपने गलत क्या किया, सही क्या होना चाहिए था, और जो आपने गलत किया है उसे सही करने के लिए आप जो करेंगे उसे रेक्टिफाइंग एंट्री हम कहेंगे। तो इसमें करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 27,500 से, लेकिन आपने गलत एंट्री क्या कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसको करेक्ट करने के लिए देखिए, दोनों एंट्रीज में टू कैश अकाउंट जो है वो तो आपका ठीक क्रेडिट हुआ है, लेकिन गलती किस में हुई है, कंप्यूटर अकाउंट और परचेजेस अकाउंट में। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, कंप्यूटर अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया जबकि वो क्या होना चाहिए था, डेबिट ही होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में, और रॉन्ग एंट्री में आपने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया जबकि वो डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो करेक्ट एंट्री में कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था तो हमने कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट कर दिया, और परचेजेस अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया तो उसे करेक्ट करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जब आपने किसी अकाउंट को रॉन्गली क्रेडिट कर दिया किसी और अकाउंट की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स अकाउंट है आपका, एन अमाउंट ऑफ 3200 रुपीस बीइंग द सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड प्रिंटर वाज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, आपने ओल्ड प्रिंटर बेचा उससे आपको 3200 रुपीस मिले, लेकिन आपने उसे क्रेडिट किस में कर दिया, सेल्स अकाउंट में, जबकि सेल्स अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रिंटर अकाउंट, लेकिन गलती से आपने उसको क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट में सेंड कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री आपने की क्या की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें कैश जो अकाउंट है उसमें तो एंट्री ठीक है लेकिन प्रिंटर और सेल्स अकाउंट में प्रॉब्लम है। प्रिंटर अकाउंट को हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था, तो कर नहीं किया हमने तो रेक्टिफाइंग एंट्री में उसे क्रेडिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया जबकि वो क्रेडिट नहीं होना था तो उसे करेक्ट करने के लिए हम उसे डेबिट कर देंगे, दैट इज सेल्स अकाउंट डेबिटेड। देन सेम तरीके से एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जहाँ पे आपने शॉर्ट डेबिट कर दिया है एक अकाउंट को या शॉर्ट क्रेडिट कर दिया है दूसरे अकाउंट को। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर 75,000 रुपीज वॉज एंटर्ड इन दी बुक्स एज 57,000। तो आपने रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री होनी थी गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन आपने क्या कर दिया, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 57,000 से कर दिया। अब रेक्टिफाई करने के लिए गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जितना डिफरेंस है दैट इज 18,000 रुपीज। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।